बी डे स्पेशल, जब अटल बिहारी वाजपेयी को हराने के लिए नेहरू ने उतारा था ये सुपरस्टार। बता दें, नेहरू यह जानते थे कि उस वक्त के युवा नेता वाजपेयी को हराना उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले महिला कार्ड और फिर बॉलीवुड कार्ड का इस्तेमाल किया था। 1962 के चुनाव में वाजपेयी को हराने के लिए नेहरू ने सबसे पहले दिल्ली से ऊर्जावान और खूबसूरत सुभद्रा जोशी को उनके खिलाफ बलरामपुर से चुनाव लड़ने के लिए भेजा। सुभद्रा पंजाब से आई शरणार्थी थी। एमपी के सागर में हुए 1961 के दंगों के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने काफी काम किया था। दिल्ली में भी कांग्रेस अध्यक्ष रही थी। पाकिस्तान के सियालकोट की रहने वाली थी। हालांकि उनका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं था। बलरामपुर वो पहली बार गई थी, लेकिन नेहरू को भरोसा था कि अटल जी के मुकाबले भीड़ कोई सुंदर महिला ही जुटा सकती है। लेकिन नेहरू ने खाली सुभद्रा जोशी पर ही भरोसा नहीं किया। उन्होंने बलराज साहनी जैसे बड़े फिल्मी अभिनेता से भी संपर्क किया और अटल के खिलाफ सुभद्रा के हक में चुनाव प्रचार करने का अनुरोध किया। प्रख्यात उर्दू कवि और राज्यसभा के पूर्व सदस्य बेकुल उस्ताही ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा था, वाजपेयी को हराने के लिए नेहरू ने मेरे साथ दिग्गज अभिनेता साहनी को बलरामपुर भेजा था। उन्होंने कहा था, बलराज जी मेरे घर पर दो दिन रहे और इसका परिणाम इतिहास रहा। एक राजनीतिक नौसिखिए ने एक बैठे हुए सांसद को हराया। उन्होंने कहा, बलराज जी ने भीड़ में खींचने में मदद की। बेशक कई वर्षों बाद वाजपेयी भी देश के प्रमुख बन गए, एक बार नहीं बल्कि दो बार, केवल 13 दिनों के लिए पहली बार और दूसरी बार लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के लिए। बेकुल उस्ताही ने कहा था, यह बलरामपुर था जिसने पहली बार चुनावों के दौरान प्रचार करने वाले फिल्मी सितारों के साथ भारतीय राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा। तब से कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को प्रत्याशियों के रूप में चुना गया या चुनाव प्रचार में मदद मिली। इसके बाद से ही फिल्मी सितारों का राजनीति पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार करना शुरू हुआ। कभी अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और सुनील दत्त जैसे दिग्गज अभिनेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस का साथ देते नजर आए, तो वहीं चुनावी धुनों को बेहतर बनाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र बीजेपी के साथ खड़े दिखे। और अब बॉलीवुड के कई सितारे इस मैदान में नजर आते हैं।